जमुआ विधानसभा सीट, यह वही सीट है जिस सीट पर कांग्रेस ने 1980 के बाद आज तक जीत का स्वाद नहीं चखा है, और इसी का स्वाद चखने के लिए इस बार कांग्रेस की बजाय जेएमएम मैदान में उतर गई है। मगर उससे भी दिलचस्प बात है कि जेएमएम इस स्वाद को चखने के लिए इतना बेताब थी कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ 3 बार भाजपा के विधायक रहे केदार हाजरा को ही अपना उम्मीदवार बना लिया। तो वहीं भाजपा भी उसी राह पर चल पड़ी। भाजपा को जमुआ से इतना प्यार हो गया था कि वह भी इस सीट को खोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से भाजपा को जिससे हारने की डर थी उसी को अपना उम्मीदवार बना लिया। तो वहीं इन दोनों के बढ़ते हुए कारवां को रोकने के लिए जयराम महतो ने रोहित दास को जमुआ के मैदान में अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया। तो चलिए चलते हैं जमुआ की ओर और देखते हैं कि इस बार किसके सर सजेगा जमुआ का यह ताज। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। जमुआ विधानसभा सीट पर इस बार कोई भी चुनाव जीते, मगर 14 अक्टूबर और 18 अक्टूबर का यह दिन जमुआ के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दो दिनों ने जमुआ का पूरा सियासी समीकरण बदल कर रख दिया। पर इस दल बदल के खेल में भाजपा तो गदगद है, तो जेएमएम भी पूरे एक्शन मूड में नजर आ रही है। हालांकि इन सबों के बीच अगर किसी की जमीन खिसक रही है तो वह कांग्रेस की, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि इंडिया गठबंधन में जमुआ सीट की प्रबल दावेदार रही कांग्रेस को शायद यह सीट मिले ही नहीं, शायद गिरिडीह जिले के सभी 6 सीटों में कांग्रेस का सफाया ही हो जाए। यह आशंका जमुआ विधानसभा सीट के वर्तमान हालात को देखते हुए व्यक्त की जा रही है। हम इन सब बातों को इसके लिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जीत और हार का समीकरण तो यहीं से बनने वाला है। हम 5 ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से कांग्रेस इस सीट पर चुनाव हार सकती है। नंबर 1, लोकसभा चुनाव। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जमुआ विधानसभा सीट पर इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को बढ़त मिली थी। इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को 1,15,578 वोट मिले थे, तो वहीं सीपीआई के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को 61,112 वोट मिले थे। यानी इस विधानसभा से भाजपा को करीबन 54,000 वोटों से लीड मिली थी, जो भाजपा के लिए सुखद खबर से कम नहीं है, क्योंकि इन आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा इस विधानसभा में मजबूती के साथ खड़ी है। नंबर 2, केदार हाजरा। जेएमएम ने 3 बार के भाजपा विधायक रहे केदार हाजरा को अपने में शामिल कर लिया, पर यह झामुमो की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। चलिए इसके पीछे की वजह बताते हैं। केदार हाजरा इस विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें 3 बार जीत मिली है। पहला बार 2005 में 49,336 वोटों के साथ चुनाव जीते थे। इस चुनाव में उनका जीत का मार्जिन 5134 वोटों का था। दूसरा चुनाव 2009 था, जिसमें केदार हाजरा की हार हो जाती है। इस चुनाव में वह बीजेपी की ही टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, मगर 19,439 वोटों के साथ 3रे नंबर पर रहते हैं, यानी वह इस चुनाव में 18,527 वोटों से चुनाव हारते हैं। तीसरा चुनाव 2014 का था, इस चुनाव में केदार हाजरा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 56,027 वोटों के साथ चुनाव जीत जाते हैं। इस चुनाव में उनका जीत का मार्जिन 23,100 का था। इसी 2014 के चुनाव में मंजू कुमारी पहली बार झारखंड विकास दल के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 2,074 वोट ला पाई थी। चौथा चुनाव 2019 था, इस चुनाव में केदार हाजरा बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 58,468 वोटों के साथ चुनाव जीत जाते हैं। इस चुनाव में उनका जीत का मार्जिन 18,175 वोटों का था। तो वहीं इस चुनाव में मंजू कुमारी दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और 40,293 वोट लाने में कामयाब रही। अब आपको बताते हैं हम इन आंकड़ों को आपको क्यों बता रहे थे। पहली बात, केदार हाजरा 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, जिस वजह से उनके खिलाफ जमुआ विधानसभा सीट पर एंटी इंकम्बेंसी की लहर चल पड़ी है। इसी वजह से भाजपा ने उनका टिकट काटा। तो वहीं इन आंकड़ों को ही देख भाजपा ने मंजू देवी को भाजपा में शामिल किया, क्योंकि मंजू देवी जब पहली बार 2014 में चुनाव लड़ी तो वह मात्र 2,074 वोट ला पाई। इसके बाद जब वह 2019 में दोबारा कांग्रेस की टिकट पर मैदान में आई तो 40,293 वोट लाकर 2रे नंबर पर पहुंच गई। इन आंकड़ों को ही देख भाजपा को यह भरोसा हो गया कि मंजू देवी अपना एक जनाधार बना ली है। तो वहीं मंजू देवी जमुआ के पूर्व विधायक सुकर रविदास की बेटी थी, जिस वजह से उनका भी जनाधार था। इस वजह से मंजू देवी की पकड़ और भी मजबूत हो गई। तो वहीं मंजू देवी को इन 2 चुनावों में हार मिलने के बाद भी वह लगातार लोगों के संपर्क में रही, जिससे मंजू कुमारी लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो गई। और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार जमुआ की जनता भी बदलाव चाह रही थी, जिस वजह से मंजू देवी का निकलना तय हो चुका था। इस वजह से भाजपा ने इस मास्टर कार्ड को अपने में शामिल कर जमुआ में खेला कर दिया। नंबर 3, चुनावी रिकॉर्ड।
अगर हम 2019 के चुनावी समीकरण को देखें तो इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर केदार हाजरा को 58,468 वोटों के साथ जीत मिली थी, तो वहीं दूसरे नंबर पर मंजू देवी रही थी जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 40,293 वोट मिला था। तो वहीं तीसरे नंबर पर जेबीएम के चंद्रिका महता रहे थे जिन्हें 25,865 वोट मिला था। हालांकि इसके बाद चंद्रिका महता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो वहीं पांचवें नंबर पर आजसू के सत्यनारायण दास रहे थे जिन्हें 9,668 वोट मिला था। अब आपको बताते हैं कि भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त क्यों है। पहला कारण, इस सीट पर कांग्रेस की जगह जेएमएम चुनाव लड़ रही है, जिस वजह से भाजपा इस सोच में है कि कांग्रेस पूरे तन मन के साथ झामुमो का सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जेएमएम यहां से चुनाव जीत जाती है तो यह सीट सदा के लिए जेएमएम की हो जाएगी। तो वहीं झामुमो के कार्यकर्ता केदार हाजरा को सपोर्ट करेंगे, इस पर भी शंका है, क्योंकि इस बार सभी पार्टियों में देखने को मिला कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की जगह दूसरे पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिया गया, जिस कारण से पार्टी के ही कई कार्यकर्ता इसका विरोध किए। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल खुद केदार हाजरा है, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि दूसरे पार्टी से आए लोगों को भाजपा टिकट दे रही है। तो वहीं केदार हाजरा ने भी वही गलती की, भाजपा छोड़ जेएमएम का दामन थाम लिए और उनके टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए। तो ऐसे में झामुमो के ही कार्यकर्ताओं में विरोध का स्वर जरूर गूंजा होगा। और अगर भाजपा की यह बात सच हो जाती है तो जेएमएम के लिए सबसे बड़ा हार का कारण बन सकती है। इसके बाद भाजपा जीत को लेकर इसलिए भी आश्वस्त है क्योंकि 2019 में मंजू कुमारी को कांग्रेस के टिकट पर 40,000 वोट मिला था, तो वहीं उस वक्त जेबीएम को 25,865 वोट मिला था, जबकि आजसू को 9,000 के करीब वोट मिला था। पर इस बार एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जिस वजह से अगर इन तीनों के वोटों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच जाता है। तो इन्हीं आंकड़ों को देख भाजपा ने मंजू कुमारी पर दाव लगाया। नंबर 4, एंटी इंकम्बेंसी की भनक। भाजपा को यह पता चल गया था कि इस बार केदार हाजरा की नैया डलमडोल है, क्योंकि इस बार जमुआ की जनता बदलाव चाह रही थी, इस वजह से ही भाजपा ने केदार हाजरा को छोड़ा। पर जेएमएम ने उन्हें टिकट देकर यही सबसे बड़ी गलती कर ली, क्योंकि जेएमएम की सोच थी अगर हम भाजपा विधायक को अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो उनके साथ जो उनका वोट बैंक है वह हमारे साथ खींचा चला आएगा, जो हमारा है वो तो रहेगा। पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनके खिलाफ इस बार एंटी इंकम्बेंसी की लहर चल रही है, मगर जेएमएम इसे सुलझा लेती है तो वह चुनाव जीत भी सकती है। नंबर 5, मंजू कुमारी की ताकत। अगर मंजू कुमारी जमुआ में केदार हाजरा और वर्तमान सरकार के नाकामियों को गिनाने में सफल हो जाती है और अपने विजन को लोगों तक पहुंचा लेती है तो इस बार हो सकता है कि आपको जमुआ में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि हाल के कुछ सालों में जमुआ क्षेत्र में काफी विकास के कार्य हुए हैं। कभी यह क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र में शुमार था, लेकिन विकास की रफ्तार ने जमुआ को हाईटेक बना दिया है। इसके बावजूद आज भी यहाँ ज्यादातर युवा रोजगार के लिए दूसरे देश या दूसरे प्रदेश का रुख करने को मजबूर है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ के ज्यादातर युवा दुबई, मस्कट, लीबिया, जॉर्डन, ओमान या सऊदी अरब में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई युवा दूसरे देश में प्रवासी मजदूर के रूप में शरण लिए हुए। इन मुद्दों को अगर मंजू कुमारी भुनाने में सफल हो जाती है तो उनकी जीत लगभग तय हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जमुआ के जाति समीकरण को देखें तो जमुआ विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा 20% मुस्लिम मतदाता की आबादी है, तो वहीं एससी मतदाता की आबादी 15%, महतो मतदाता की आबादी 10%, यादव मतदाता की आबादी 7% और एसटी मतदाता की आबादी 5% है। ऐसे में अगर मंजू कुमारी इन मतदाताओं में अपनी पकड़ बना लेती है तो उनका जीतना और भी आसान हो जाएगा। तो वहीं इस बार जयराम की पार्टी भी इस जमुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, जिससे वोटों का बिखराव होगा और जीत का मार्जिन कम हो जाएगा, जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा। मगर इसी के साथ जमुआ का इतिहास रहा है कि जब भी सिटिंग विधायकों ने पार्टी बदली है तो वह चुनाव हार गए हैं। 2005 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर चंद्रिका महता मैदान में उतरे थे और चंद्रिका महता ने भाजपा के केदार हाजरा को सीधी टक्कर दी और दूसरे स्थान पर रहे थे। 2009 के चुनाव में चंद्रिका जेबीएम के टिकट पर मैदान में उतरे और केदार हाजरा को हराकर जीत दर्ज की। जब 2014 का चुनाव आया तो एंटी इंकम्बेंसी को देखते हुए जेबीएम ने उम्मीदवार बदलने का फैसला लिया। ऐसे में चंद्रिका फिर से जेएमएम में चले गए, लेकिन यहां उनकी हार हो गई और इस चुनाव में केदार हाजरा ने जीत दर्ज की, तो वहीं चंद्रिका महता पांचवें स्थान पर पहुंच गए। इस बार यहां देखना दिलचस्प होगा कि यह रिकॉर्ड पुनः किसके साथ कायम होता है, क्योंकि केदार हाजरा और मंजू कुमारी दोनों ने अपने अपने दल बदले हैं। ऐसी स्थिति में जीत किसकी होगी या फिलहाल तो कह पाना मुश्किल है, मगर मंजू देवी का पलड़ा भारी दिख रहा है। पर इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, इस बार जमुआ में किसकी जीत हो सकती है, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जोहार।